नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये आपके सामने मैं जो लेकर के आया हूँ, ये आपके RRB ग्रुप डी का जो है, जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए थे, उसका जो है क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को लगाने से दोस्तों आपके दो फायदे होंगे। एक तो आप अपने आप को आंक पाएंगे कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं, और दूसरा किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब आपके लिए GK क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि चूज द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर व्हेन द मिरर इज कैप्ट ऑन MN। अगर MN पे एक जो है मिरर रख दिया जाए, यानी शीशा रख दिया जाए, तो इसका इमेज कौन सा बनेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो है, जब जो भी मिरर इमेज बनता है आपका, जब जो है मिरर इमेज बनता है, तो जो आपका लेफ्ट होता है वो राइट में चला जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट में चला जाता है। तो अगर आप दोस्तों इसको देखिए, तो आपके सामने जो ये वाला ये बना हुआ है, इसको किधर चला जाना चाहिए, उसको इधर चले जाना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो है, ये किधर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा। और एक जो मेन चीज़ है, ध्यान दीजिए, ये देखिए जो यहाँ इस वाले इमेज में लाइन लाइन खींची हुई है, वो इधर से किधर चली जाएगी, इधर वाले साइड में चली जाएगी। बस इतना आपको ढूंढना है, और देखिए किस में है, आपके ए ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने GK के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। आपसे पूछ रहा है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज डैश डैश द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी आपका जो मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, वो जो है आपका कितना होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ पे। ठीक है, तो अगर आप जो है मून पे देखेंगे, तो पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 पार्ट होता है मून के ऊपर, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। द फोर्स दैट अ न्यूट्रॉन एग्जर्ट ऑन अ प्रोटॉन इनसाइड एन एटम इज। यानी आपका जो है, जो एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस बल के कारण खींचते हैं आपस में एक दूसरे की तरफ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। यानी वो कोई एक नाभिकीय बल होता है जिसके कारण ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए और क्या है। वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट, यानी आपके बॉडी का वेट कहाँ पे अधिकतम होगा, इक्वेटर पे, पोल पे, ट्रॉपिक्स पे या सब ट्रॉपिक्स पे, तो आंसर हो जाएगा आपका पोल पे। पोल पे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, पोल मतलब ध्रुवों पर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए कार्ड प्लेस्ड ओवर ए टम्बलर इज फ्लिक्ड विद द फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इज फॉल इन द टम्बलर। मतलब कि अगर किसी भी जो है जो टम्बलर बाल्टी पे अगर आपने कोई कार्ड को रखा हुआ है, और उसके ऊपर सिक्का रखा है, और आप उंगली से उस कार्ड को झटके से हटा देते हैं, तो वो सिक्का पानी के अंदर, यानी टम्बलर यानी बाल्टी में गिर जाएगा, या किस कारण होगा, तो ये आपका होगा जड़त्व के कारण, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, ये लगाने वाला क्वेश्चन था। द मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज 298, इट न्यूक्लियस हैज़ 189 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको लगाना पड़ेगा आपको, और इसका आंसर है यहाँ पे 109। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, फिर आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन है। पर्सन डज सम वर्क एट 1000 जूल इन 2 सेकेंड, हिज पावर विल बी। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप सीधे फार्मूला रख करके इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इससे आपको एक चीज़ जो है दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए वैसे ही है कि ए पर्सन लिफ्ट लगेज ऑन 20 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 2 m अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाई हिम। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी आप लगा पाएंगे। इसको मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो है आपको केवल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रैक्टिस सेट कैसा है, और कैसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए, विच ऑफ़ दी फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग लेंसेज, यानी आपके लेंस को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो सॉइल, बहुत सिंपल सा आंसर दिया था, सॉइल से कोई भी आपका लेंस नहीं बनता है, जबकि प्लास्टिक, वाटर, वाटर से भी आपका बनता है। देखिए दोस्तों, जो आपके लेंस होते हैं, जो आप अपने आँखों में लगाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस, वो उसमें जो है वाटर भी मिला हुआ होता है। ठीक, हाइड्रोजल एक होता है, वो होता है, तो भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक पूछ रहा है, अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम कह रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो यानी सबसे ज़्यादा होता है आइस का, फिर केरोसिन ऑयल, बेंजीन, फिर रॉक सॉल्ट। ठीक, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटा इज एलॉयड फ्रॉम, यानी इसको कॉपर निकल जिसको बोला जाता है, वो पूछ रहा है इज एलॉयड फ्रॉम, यानी किसका वो एलॉय है, मिश्र धातु है, किस चीज़ की मिश्र धातु है, तो वो Cu और Ni की मिश्र धातु है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है यहाँ पर।
चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी विद्युत की क्या प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी सबसे ज़्यादा किस में होगी, फिर उससे कम, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा Hg, Ni, W और Ag। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑन एन एटम, यानी कौन सा परमाणु का एक भाग नहीं है, परमाणु के जो नाभिक में एटम्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये जो आपका ज़ेनॉन है ये क्या है, ये एक गैस है, ठीक है। बाकी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं एटम में, तो ये आपको पता ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इन 0.6 एम्पियर फॉर 6 मिनट्स, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। देखिए ये भी दोस्तों आपका जो है एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। सोल्यूशन इज यूज टू ट्रीट बी स्टिंग, यानी अगर आपको मधुमक्खी ने डंक मार दिया है तो किस सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। गिव एज एग्जाम्पल ऑफ ए सॉल्ट विच गिव एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7। एक्वस सोल्यूशन मतलब बोल रहा है जलीय विलयन, किसका जलीय विलयन, जिसका pH लेस देन 7 होगा, तो आंसर आपके लिए हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है आपका। द इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एथेन इज, एथेन का पूछ रहा है, तो एथेन का फार्मूला अगर आपको पता होगा तो ये होता है क्या, C2H4 होता है, ठीक है। तो अब इसी को जो है आपको डॉट्स देखना है कि C2H4 किस डॉट्स में मिल रहा है, तो पहले में एक ही सी है तो ये तो हो नहीं सकता। देखिए दूसरे में 2 सी है और 4 H है, देखिए ये देखिए इसमें मैच कर रहा है, और इसमें जो आपके जो है इसमें देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसी में 4 है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबल प्रोडक्शन ऑफ मेटोलिक फॉइल्स, मेटोलिक फॉइल्स मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको एकदम पतला पतला बना दें, ठीक है, जैसे पेपर के टाइप से, तो ये इसकी कौन से गुण होते हैं मेटल्स के, इसको हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स क्या होता है दोस्तों, आघात वर्धनीयता, ठीक है, यानी अगर आप लोहे को लेकर के उसको पीटते रहें तो वो क्या हो जाएगा, एकदम ऐसे पतला टीन के टाइप से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एटम ऑफ जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन कंटेन्स डैश डैश सेल, कितने सेल्स होते हैं इसमें, तो इसके होते हैं आपके टोटल मिला के 4 सेल्स। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द 18th ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जो है नहीं बताया गया था। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ पीसेस, यानी जो है आपके जो मत्स्य वर्ग होता है उसमें क्या जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये है प्रेजेंस ऑफ सिडियोनो कोलम्स, यानी छदम गुहा जिसको बोला जाएगा, वो इनका जो है गुण नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, मतलब कौन सा टिश्यू होता है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बना देता है, तो वो आपका होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। चलिए आगे देखिए और क्या क्वेश्चन है आपके लिए। फिशेज हैव अ डैश डैश चैम्बर्ड ऑफ हार्ट, मतलब कि जो फिशेज है उसकी उसके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो उसमें होते हैं केवल 2 चैम्बर्स। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क डन बाई द प्लेसेंटा टिश्यू इन ह्यूमन, यानी जो आपकी प्लेसेंटा होती है टिश्यू मनुष्य में जो पाई जाती है, वो पूछ रहा है भ्रूणीय नाल आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा टिश्यू भ्रूणीय नाल, वो किस चीज़ के काम आती है, तो वो करती क्या है, रिमूव वेस्ट मैटर फ्रॉम द एम्ब्रॉय एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रॉय, दोनों काम करती है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। राइस इन शुगर लेवल इज ब्लड इज डिटेक्टेड बाई द सेल ऑफ, यानी ब्लड मतलब जो आपके शुगर रहता है ब्लड में उसको जो है वो बढ़ता है, तो किस चीज़ से डिटेक्ट हो पाता है, वो आपके पैंक्रियाज से, यानी पैंक्रियाज कुल मिला के क्या करती है, आपके इंसुलिन का सेक्रेशन करती है जो जो है ब्लड के लेवल को, ब्लड में शुगर के लेवल को बैलेंस करता है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपके जो है इसमें जो मिक्स होकर के आता है ना आपका जो है जीके भी आता है और उसमें करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आप लोग इसको देख लीजिएगा ऐसे एक बार, मैं धीरे धीरे इसको ऊपर से ले जा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी इन क्वेश्चंस का कोई अब मतलब नहीं है क्योंकि ये सब क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। चलिए अब आगे देखिए और आपके लिए क्या है।
हाँ यहाँ से देखिए, फिर से आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का जो है जो मेंबर्स होता है उसके लिए कार्यकाल कितना होता है, तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए आगे बात करिए, देखिए द नेम ऑफ द वॉइस राय हु इनेगुरेटेड न्यू दिल्ली एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया इन दिया ईयर 1931। 1931 में किसने जो है नई दिल्ली का न्यू दिल्ली को कैपिटल बनाया था भारत का, तो आंसर आपके लिए हो जाएगा लॉर्ड इरविन। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी लॉन्च्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस इन 1939। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो उसका नाम क्या था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वेयर आर द गारो हिल्स लोकेटेड, गारो हिल्स कहाँ पे स्थित है आपकी, तो मेघालय में स्थित है। आगे देखिए, राम सेतु इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राम सेतु जो है वो आपका पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट में है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, इन विच ईयर वॉज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टेब्लिश, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बनाया गया था, तो अब स्टेब्लिश हुआ था 1875 में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विथ होम डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन, ये भी देखिए दोस्तों वो आपका क्वेश्चन जो है ये करंट का है। चलिए आगे देखिए और क्या है, हाउ मच लोन अमाउंट वॉज सेंक्शन बाय द वर्ल्ड बैंक, तो ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग ने जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर के एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। ऐसे और भी क्वेश्चंस पेपर आपको दिए जाएंगे ताकि आप टोटल देख करके समझ पाएँ कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो है जनरल साइंस का और जो है रीजनिंग मैथ वगैरह का भी आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे तैयारी भी कराई जा रही है दोस्तों, आप इसमें से देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसमें से पूछे गए हैं और वो मेरी वीडियोस में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को अगर तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।